एक रुपए में अब चल ले माँ दीप बुझेगा तेरा ना ना मतलब भी मामा जी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते बाबू जी कैसा है रे बच्चू कब आया कल काकी किसकी काकी है किसकी काकी है पिपनी हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अदर व्लॉग व्यू बताना भाई कैसा आया है वीडियो का फोन तो ये रहा कौन से कैमरे के साथ और किस एंगल से शूट कर रहा हूँ ठीक है ना बताना मुझको और अभी तो ना 9 बजे और गांव का माहौल बिल्कुल शांति वाला है पोल्यूशन कम हो गया अब तो अभी जाएंगे भाई शादी में खाना खाने के लिए और बारिश लगातार जारी है कौन है बिल्लू बिल्लू कौन है बस 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 कौन है बिल्लू यार बिल्लू कौन है यो छोटा सा काका काका किसका काका है यो काकी है या मेरी बहन जी है संडल ठंड हो रही है बेटा रहने दे कट कट दे जाओ जी सैंडल कड़े हैं कागज से बेटे फूक सी तो है वो बिल्लू के नाम है इसका बेबे काकी किसकी काकी है किसकी काकी है पिपनी है घर पे किसकी है यार किसकी है बिल्लू यार वो तो अपनी है इसकी बेबे को नहीं वाह वो तो अपनी हाँ या भी अपनी है वह भी अपनी दूसरी बुआ की है वो है देख दूसरी बेबे नमस्ते नमस्ते इधर आओ टी टी छले छले बाल मेरे बेटे के इसके तो बाल नहीं देखिए मलंग की शक्ल देखिए केशव केशव है तो माधव है केशव है अरे ये गुड़िया रानी है ये भी गुड़िया रानी है ये भी गुड़िया रानी है ये भी गुड़िया रानी है ओ गुड्डा हो एक एक ये रहा ओ हेलो इधर हेलो कर दे थूण किस तरह लग रहा देखने लाइट करनी थोड़े थोड़े सारे तो इस्त्री के हैं लड़कियां सही हैं सारी ये देखो ये एक ये हो गया देखिए टील है टील है टील कक्की कृष्णा इसका नाम क्या है अभी बिल्लू नव्या नव्या लड़की छोटा बेटा भूख लग रही इसने और रोन लग गई रा ना 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 उरी लिया ले ये आगे बोलो यार रही करी कौन जानती ना जी आ गया ना भाई हम तोरी दूध पिया देंगे ले आओ ले आओ ले आओ बस गुंटा गुंटा चुस्सन लग रही है यार चुस्सा यार डाला पड़ गई ना ई ले लो ले लो बिल्लू कौन है बिल्लू कौन लेके गया था बिल्लू को आंसू आ गए बिल्लू को बिल्लू नहीं लेके जाने देगी इसको दूध पिया कर ले आवेगी दूध पिया कर ले आवेगी तो भी चल ले ना ना मतलब भी नहीं यही रखो यही यही रखो अब इसको ले आई बिल्लू चुंडी भी नंगा ऐसी टीवी देखता है ये
जय बाबा बाबा जी के दर्शन करने डाल के आया हूँ। सर्दी लग रही थी बारिश के कारण। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री गणेश जी महाराज, जय दरबारी दर्शन। जय श्री दादा खेड़ा जी महाराज सदा। दर्शन करके ऐसे ही जा रहा था, फिर बाबा आया, कह रहे आरती नहीं करी भाई आज, शेखर भी नहीं आया था, फिर आरती करवाइए और ये मटका है बाबा जी का, सारे काम करे फिर बड़े फिर आरती करिए। अब चल ले माँ, दीप बुझेगा तेरा। कह रही बुझेगा नहीं खाना। जैसे मैं मंदिर में गया तो मैंने सोचा कि भाई आरती होली होगी, तो आरती तो हुई नहीं थी और मंदिर में कोई भी नहीं था, जो बाबा हमारे वीर हैं बूढ़े वो भी बाहर थे और भाई कोई भी नहीं था मंदिर में। मैं मत्था टेक के अपने आराम से बाहर आ गया धोख मार के, तो फिर बाबा बाहर थे, बाहर से आए वीर बाबा थे बूढ़े से, जो उस दिन ध्यान लगाए हुए थे, आपने देखे ही होगा वीडियो में, तो वो आए कह रहे भाई आरती करवा दे आज। मुखे आरती हुई ही नहीं, मैंने तो सोचा था 6 से ऊपर टाइम था, 6:10-12 थी, कह रहे भाई बारिश की वजह से जाडे में बच्चे तो आए नहीं आरती करवा, तो वैसे नहीं होना चाहिए। बच्चे जो लगातार डेली आ रहे हैं, सभी से अनुरोध है भाई बच्चे मंदिर में ज़रूर आए, वो जो लगातार आ रहे हैं आज, जैसे शेखर भी मना करके कह रहे मैं नहीं आऊँगा, वो राहुल आया हुआ है मेरे सिस्टर का लड़का तो दिल्ली वाले, तो वो कह रहे मैं नहीं आऊँगा, मैं ना आया नहीं, वैसे भी ना आया हुआ तो मैं भी नहीं था, पर वही करवानी पड़ी झूठे सूचे जैसे भी, चलो भाई ठीक है हाथ पैर धो गए, चलो मैंने आरती करवाई। और भाई मैंने तो धूमनी दे दी थी वैसे, शंख एक लड़का आ गया था उसने बजा लिया था और बाबा ने ढोल को बजा लिया था। वैसे भाई सभी से अनुरोध है भाई आज जुड़ गए कि भाई अपने मंदिर के जो बंदे हैं वो अपनी प्रॉपर टाइम है उनका 6:30 का आओ, 6 तक आरती करके अपने 2-3 परमानेंट चाहिए मंदिर में, और कभी कभी तो 5-7-10 भी हो जाते हैं बंदे, लेकिन कभी कभी आज जैसे आज 2-3 भी नहीं थे, 3 भी कंप्लीट नहीं थे, बाबा को करने पड़े, बाबा तो बुजुर्ग थे जैसे, फिर उन्होंने ढोली बजाया। तो चलो भाई अपने वैसे तो आरती कभी भी नहीं रुकती है, कोई ना कोई बाबा जी अपने आप बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी भाई कहने का फ़र्ज है कि भाई अपने आते रहो भाई, मतलब आरती के टाइम ज़रूर पहुँचो, अगर आपको जाना ही है तो 10 पहले चले जाओ या बाद में चले जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जाना है तो, नहीं जाना तो वो एक अलग बात है भाई, पहुंचा करो भाई आरती करवानी बहुत ज़रूरी है। सर्दी हो रही है और बिल्लू देख लो कैसे पड़ा, बिल्लू आंसू लग रहा है सुंदर। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ अपने गाँव के, अपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके लिए, जो भट्ठे का रेट है भाई 5,000 और 5,500 के बीच में है, 5,000 होगा या 5,200, 5,300, 5,500, 5,400, 5,100, 5,100 ऐसे रेट है भाई भट्ठों के, कोई भी मतलब ठगी का शिकार मत हो जाना, वो थोड़ा सा एक इंटों पर डिपेंड है, अगर ज़्यादा बढ़िया तो 5,500 का रेट है, उसके ऊपर किराया होगा आपके जैसे भट्ठे से आपके घर तक का, वो किराया होता है 300 रुपये हज़ार, जैसे 10 किलोमीटर है 20 किलोमीटर है, जैसे हमारे गाँव 16 किलोमीटर का एथल है हमारे गाँव से, तो उसका किराया 300 रुपये या 350 या 400 रुपये हज़ार है, मतलब कि 5,900 रुपये में 5,800 रुपये में ऐसे आपके जो रेट के अकॉर्डिंग जैसे 5 है तो 5,300 या 5,400 में आपके घर पे पहुंच हो जाएगी, तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यही जानकारी है आप लोगों के लिए कि भाई 300 रुपये या 400 रुपये इतना किराया होता है भट्ठे से आपके घर तक का, 10-20 किलोमीटर, वो किलोमीटर और अपने रेट पर डिपेंड है, तो मतलब ठगी का शिकार मत होना। लिए भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, तो चलिए इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, थैंक यू।